गोरखपुर संसदीय उपचुनाव की हुई घोषणा। डीएम ने अधिकारियों के साथ किया बैठक, दिया चुनाव कार्यक्रम की जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर से रवाना होने से पहले लगाया जनता दरबार। फरियादियों को उनकी समस्या के निराकरण का दिया भरोसा। रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जीआरपी सतर्क। अब जहर खुरानों के धर पकड़ के लिए प्लेटफॉर्म के साथ ही उनके घर तक पहुंचेगी जीआरपी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में वक्ताओं ने भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो विषय पर रखे अपने विचार। जीआरपी के एडीजी ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, यात्री सुविधाओं का लिया जायजा, पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक टिप्स। उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के नव निर्वाचित कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष अभिजीत पाठक का कांग्रेसियों ने किया अभिनंदन, दी बधाइयां। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा 12 फरवरी से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का होगा आयोजन। विविध राज्यों के वक्ता संस्कृत वाड्मयम में बिंब विधान विषय पर रखेंगे अपने विचार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नगर में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान गीता वाटिका में गहन चिकित्सा कक्ष का महापौर ने किया लोकार्पण। 10 फरवरी को जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण संधि सुलह एवं अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के महिला सेल द्वारा आयोजित हुआ स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर कार्यशाला और रंगोली प्रतियोगिता। वक्ताओं ने बच्चों को तनाव मुक्त जीवन के दिए टिप्स। गोरखपुर विश्वविद्यालय की डेलीगेसी द्वारा 14 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के चौथे दिन 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कुल 110 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। और CRDPG कॉलेज छात्राओं द्वारा आयोजित हुई 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बांधा समा।